हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 7 मार्च 2020 और आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, वेयर विल बी द फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल टू बी हेल्ड। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम या फिर कोची। तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा कोची में। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कोची में चौथा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, या मैं बोलूँ वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? कोची में। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑप्शन में दिख रहा है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जाता हूँ। पहला फैक्ट तो ये है कि गरवी गुजरात भवन का जो इनोग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी ने किया था, और इसको नई दिल्ली में किया था, याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, ईट राइट मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा सिक्योरिटी समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और पहला इंडिया का स्पोर्ट्स समिट ये भी आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभी मैंने आपको बताया सिक्योरिटी समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्योरिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे, वो आपके चाइना में हुए थे। सिक्योरिटी गेम्स चाइना में हुए थे और सिक्योरिटी समिट इंडिया में हुए थे, और इंडिया के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा जो फेस्टिवल है कब से कब तक तो होगा? 16 मई से लेकर 20 मई तक होगा, और अभी ये अनाउंस हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जेनेस जानसा हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री। जेनेस जानसा का हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गया? ऑप्शन आपके सामने, ताइवान, स्लोवेनिया, मलेशिया या फिर स्लोवाकिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। स्लोवेनिया के नई पीएम कौन बने हैं? ये बने हैं जेम्स जानसा इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अलावा दोस्तों स्लोवेनिया की कैपिटल और करेंसी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। लबजुलजाना इज़ द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया और करेंसी है यूरो। स्लोवेनिया लबजुलजाना यूरो, स्लोवेनिया लबजुलजाना यूरो, स्लोवेनिया लबजुलजाना यूरो। काफ़ी टफ वर्ड है, तो प्रोनाउंसिएशन करना उसका मुश्किल है, तो याद याद हो जाएगा वैसे, स्लोवेनिया लबजुलजाना यूरो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपके सामने, फिलीपींस, जापान, इंडिया या फिर मालदीव। तो इसका राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस के मनीला में ये आपका बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप होगा, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप होगा, और यहाँ पे बात हो रही है फिलीपींस मनीला की, तो एक मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। मनीला फिलीपींस में एडी का हेडक्वार्टर है, और एडीबी की बात आ गई तो अभी एडीबी के नए प्रेसिडेंट बने हैं मसत सुगु असाकावा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड द चापचर कूट फेस्टिवल? इंपॉर्टेंट मार्क करना है दोस्तों इसको, हाल ही में किस राज्य में चापचर कूट महोत्सव का आयोजन किया गया? पहला ऑप्शन हमारे पास है असम, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मिजोरम में चापचर कूट का आयोजित किया गया था। चापचर कूट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? मिजोरम में हुआ था, और मिजोरम के जो गवर्नर है वो याद रखना है जोरम थांगा इज़ द गवर्नर ऑफ द मिजोरम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी रुपीस विड्रॉल लिमिट पर मंथ हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर द येस बैंक अकाउंट होल्डर्स? दोस्तों इस टाइम जो येस बैंक है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बता नहीं सकता। तो सरकार ने येस बैंक खाताधारकों के लिए कितने रुपये की निकासी सीमा प्रति माह तय कर दी गई है? 50,000, 55,000, 60,000 या 45,000। तो इसका राइट आंसर है 50,000। कहने का मतलब है जो येस बैंक के अकाउंट होल्डर्स है वो 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, तो येस बैंक की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है। तो RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि येस बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ रिलीज द बुक क्रॉनिकल ऑफ द चेन चैंपियंस? क्रॉनिकल ऑफ द चेन चैंपियंस पुस्तक किसने जारी की है? मेनका गांधी, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी या फिर अरुंधति रॉय? तो राइट आंसर है इसका स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये दोस्तों अमेठी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इन्होंने इस बार जो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी को हरा कर वहाँ से जीत कराई थी स्मृति ईरानी, और इनकी बुक क्या जो इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉनिकल ऑफ द चैंपियंस, क्रॉनिकल ऑफ द चेंज चैंपियंस।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वाज द नमस्ते ओरछा फेस्टिवल रिसेंटली स्टार्टेड, इंपॉर्टेंट मार्क करना। हाल ही में नमस्ते ओरछा उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा फेस्टिवल या फिर नमस्ते ओरछा उत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये शुरू हो गया, बस अभी कंक्लूड होने वाला है। इसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो दोस्तों यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए, तो मैं आपको अभी उत्तर प्रदेश में, ये मैं जनवरी का बता रहा हूँ, मेरे को याद है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल भी यूपी में हुआ था। इसके अलावा यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्टैचू है वो अनवेल किया था, वो यूपी के वाराणसी में किया था। ठीक है, इसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी वाराणसी यूपी में थी, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, वाराणसी नहीं, लखनऊ यूपी में, जल्दी जल्दी मैं गलत बोल गया, ठीक है याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्टैचू है वो लखनऊ यूपी में इनोग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये भी आपकी लखनऊ यूपी में भी इनोग्रेट की गई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 3 फैक्ट बताए, एक तो मैंने आपको बताया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट यूपी में, और अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू यूपी में लखनऊ यूपी में, और अटल बिहारी वाजपेयी की मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लखनऊ यूपी में। इसके अलावा बिहार में अभी ये फरवरी की न्यूज़ है, आई थिंक 20 या 22 फरवरी की न्यूज़ है, कि हाँ 14 फरवरी की न्यूज़ है, 14 फरवरी को आप लोगों को पता है वैलेंटाइन डे था, तो 14 फरवरी को बिहार ने एक कैंपेन शुरू किया था, प्लांट फॉर लव, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, प्लांट फॉर लव कैंपेन, मतलब प्यार का पौधा, हिंदी में बोलते हैं इसको प्यार का पौधा। ये कैंपेन किसने शुरू किया था? बिहार ने किया था। इसके अलावा आपको दिख रहा है उड़ीसा, उड़ीसा रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उड़ीसा में देखो अबादा स्कीम, पीठा स्कीम, जल शक्ति स्कीम और अमा घरे एलईडी स्कीम, इसके बाद मो सरकार, मो परिवार, कालिया स्कीम और उड़ीसा की एक एप्लीकेशन है मधु एप्लीकेशन, ये सारी उड़ीसा की। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फटाफट, अबादा स्कीम, पीठा स्कीम, जल शक्ति स्कीम, अमा घरे एलईडी स्कीम, मो सरकार, मो परिवार, कालिया स्कीम और मधु एप्लीकेशन, ये सब उड़ीसा की है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दीनदयाल अंत्योदय योजना साइन एमओयू विद डैश फॉर ए ई मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजोन? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेजोन, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अब इतने सारे नाम देख के मेरे को एक चीज़ याद आई है, अभी गाफा टैक्स लगा था, किसने लगाया था? इटली ने। तो इटली ने एक गाफा टैक्स लगाया, किन पर लगाया? इन सभी जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, लाइक गाफा की फुल फॉर्म बताए तो गूगल, अमेजोन, फेसबुक और एप्पल, इन सब पर इटली अब से टैक्स लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इतना बड़ा व्यापार करते हैं बड़े बड़े देशों में और टैक्स बिल्कुल नहीं देते, तो अब इटली ने इन पर टैक्स लगाया, जिसको बोलते हैं गाफा टैक्स। ये आई थिंक जनवरी की न्यूज़ है, याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, दीनदयाल अंत्योदय योजना ने एमओयू साइन किया अमेजोन के साथ फॉर ई मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डिड द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेस डे क्यूलर डाई? कहाँ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेस डे क्यूलर का निधन हो गया? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आरबीएल बैंक या फिर एक्सिम बैंक? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो आपके पहले थे, ये अभी के नहीं थे, पहले के जेवियर पेरेस डे क्यूलर के सेक्रेटरी जनरल थे ये, इनका निधन हो गया। अब बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर याद रखना है आपको न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटरस, एंटोनियो गुटरस याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर सबको पता है वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपासी, अभी बने थे, और ये आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है 11वें या 13वें, आई थिंक 13वें नंबर की है। ठीक है, और ये जो डेविड मालपास है ये यूएसए से आते हैं, ठीक है, यूएसए के रहने वाले हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं अभी 13वें नंबर के, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, ये आपको इनकी फेस देखना है, फोटो से आपको याद हो जाएगा इनकी अभी डेथ हुई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेबी ने सेबी शिकायत निवारण प्रणाली जिसको स्कोर्स बोलते हैं में शिकायतों को दर्ज करने हेतु कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो दोस्तों सेबी ने जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की उसको बोलते हैं सेबी स्कोर्स, यहाँ पे स्कोर्स आई गया तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। सेबी स्कोर्स नाम की एप्लीकेशन है जो सेबी ने लॉन्च की है, जिसके थ्रू आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म होती है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, और यार अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और ऐड करवाना चाहते हो वीडियो में तो वो भी ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद स्पेशल एजुकेशन,
एंड दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों यार बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो इसके बाद मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिया करो।